समुंदर, जिसमें लाखों राज दफन हैं, जो दो देशों को, दो जमीनों को एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन क्या हो अगर इंसान समुंदर को चीरकर उसके नीचे से एक ऐसा रास्ता बना दे जो सब कुछ बदल दे? कल्पना कीजिए, एक सफर जो अभी 45 मिनट का है वह सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो जाए। एक ट्रेन जर्नी जो 4.5 घंटे लेती है वह सिर्फ 2.5 घंटे में सिमट जाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, यह सच हो रहा है यूरोप में, जहां डेनमार्क समुंदर के नीचे से 1.9 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत और पत्थर खोद रहा है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आने वाले कुछ सालों में यूरोप का नक्शा और किस्मत दोनों बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल की गहराइयों में जिसका नाम है द फेहमार्न बेल्ट फिक्स्ड लिंक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये दो देशों को जोड़ने वाला एक सपना है जो अब हकीकत बन रहा है। यह प्रोजेक्ट आखिर है क्या? सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट है क्या। यह जर्मनी के फेहमार्न आइलैंड को डेनमार्क के लॉलैंड आइलैंड से जोड़ने वाली एक 18 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे की सुरंग है। यह सुरंग बाल्टिक सी के नीचे बनाई जा रही है। इस सुरंग के अंदर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, बल्कि इसमें एक 4-लेन हाईवे के साथ साथ एक डबल ट्रैक रेलवे लाइन भी होगी, यानी कार, ट्रक और हाई स्पीड ट्रेन्स सब एक साथ समुंदर के नीचे से गुजरेंगे। अभी तक इन दोनों जगहों के बीच सफर करने के लिए लोगों को फेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें काफी वक्त लगता है, और खराब मौसम में यह सर्विस बंद भी हो जाती है। यह सुरंग उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसे बनाया कैसे जा रहा है? अब आप सोचेंगे कि समुंदर के नीचे 18 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदना तो आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही, और इस सुरंग को बनाने का तरीका ही इसे सबसे खास बनाता है। इसे टीबीएम से खोदा नहीं जा रहा, जैसा अक्सर मेट्रो टनल्स में होता है। इसके लिए एक अलग और ज्यादा मैसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे कहते हैं इमर्स्ड ट्यूब टनल। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। खाई खोदना। सबसे पहले समुंदर की सतह पर एक बहुत बड़ी और गहरी खाई खोदी जाती है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 12 मीटर गहरी खाई खोदी जा रही है। विशाल हिस्से बनाना, फिर जमीन पर, एक फैक्ट्री में सुरंग के बड़े बड़े खोखले हिस्से बनाए जाते हैं। हर एक सेक्शन 217 मीटर लंबा है, यानी 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, और इसका वजन 73,000 टन है। ऐसे टोटल 89 सेक्शंस बनाए जाएंगे, तैराना और डुबोना। इन विशाल सेक्शंस को दोनों तरफ से सील करके पानी में फ्लोट करा के कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया जाता है। फिर इन्हें धीरे धीरे पानी से भरकर बहुत ही प्रिसिजन के साथ समुंदर के नीचे खोदी हुई खाई में उतार दिया जाता है। जोड़ना और ढकना। जब सारे सेक्शंस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो उन्हें आपस में वाटरप्रूफ तरीके से जोड़ दिया जाता है। आखिर में इस पूरी सुरंग को रेत, पत्थर और मिट्टी से ढक दिया जाता है, ताकि यह समुंदर की सतह का ही एक हिस्सा बन जाए। यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल और हाईटेक काम है। द इंडियन पर्सपेक्टिव। भारत इससे क्या सीख सकता है? अब जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? इंडिया आज इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। हमारे पास अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज हैं, और हाईवेज का जाल तेजी से बिछ रहा है। तो क्या इंडिया श्रीलंका के साथ समुंदर के नीचे से एक लिंक बना सकता है? यह विचार नया नहीं है। इंडिया और श्रीलंका के बीच पॉक स्ट्रेट पर एक ब्रिज या सुरंग बनाने का प्रपोजल कई सालों से चर्चा में है। यह दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। फेहमार्न बेल्ट टनल प्रोजेक्ट हमारे लिए एक केस स्टडी या ब्लूप्रिंट का काम कर सकता है। इससे हमें सीखने को मिलता है टेक्नोलॉजी। इमर्स्ड ट्यूब टेक्नोलॉजी ऐसी जगहों के लिए आदर्श हो सकती है जहां समुंदर ज्यादा गहरा ना हो। फंडिंग मॉडल। डेनमार्क इस प्रोजेक्ट को खुद फंड कर रहा है और बाद में टोल से पैसे वसूल करेगा। यह मॉडल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कारगर हो सकता है। चैलेंजेस। हमारे लिए समस्याएं अलग होंगी। पॉक स्ट्रेट का सी बेड, वहां का एनवायरनमेंट और इसकी लागत बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। हालांकि फेहमार्न बेल्ट प्रोजेक्ट यह साबित करता है कि अगर विजन और टेक्नोलॉजी साथ मिल जाएं, तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारना नामुमकिन नहीं है।
यह प्रोजेक्ट हमारे देश के इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक प्रेरणा है। क्यों कहा जा रहा है कि यह सब कुछ बदल देगा? चलिए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर क्या क्या बदलेगा। समय की बचत। जैसा मैंने शुरू में बताया, कार से 10 मिनट में और ट्रेन से सिर्फ 7 मिनट में यह 18 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। जर्मनी के हैमबर्ग से डेनमार्क के कोपेनहेगन तक की ट्रेन जर्नी 2 घंटे कम हो जाएगी। इससे टूरिज्म और बिजनेस ट्रेवल को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। आर्थिक गलियारा। यह सुरंग स्कैंडिनेविया को सेंट्रल यूरोप से सीधा जोड़ देगी। माल ले जाने वाले ट्रक्स और ट्रेन्स बिना रुके तेजी से आ जा सकेंगे। इससे ट्रेड बढ़ेगा और यह एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। पर्यावरण के लिए बेहतर। अभी जो डीजल फेरीज चलती हैं, उनसे काफी पोल्यूशन होता है। यह सुरंग उन फेरीज को रिप्लेस कर देगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और गाड़ियों के इस्तेमाल से कार्बन एमिशंस में भारी कमी आएगी। भरोसेमंद रास्ता। यह रास्ता 24/7 365 दिन खुला रहेगा। मौसम खराब होने पर फेरी कैंसिल होने का डर नहीं रहेगा। कौन कर रहा है खर्च? यह एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका फाइनेंशियल मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सुरंग को बनाने का पूरा खर्च, जो 7 बिलियन यूरो से ज्यादा है, डेनमार्क उठा रहा है। इसके लिए डेनमार्क की सरकारी कंपनी फीमर्न एएस ने लोन लिया है। जब सुरंग चालू हो जाएगी तो इस पर लगने वाले टोल से इस लोन को चुकाया जाएगा। दूसरी तरफ जर्मनी अपने साइड पर सुरंग तक पहुंचने वाले रोड और रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दो देश मिलकर एक प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकते हैं। यह प्रोजेक्ट हमें एक और गहरी बात सिखाता है कि विकास की यात्रा कभी रुकती नहीं है। आज से 50 साल पहले समुद्र के नीचे से एक पूरा शहर बसा देने जैसा यह विचार किसी विज्ञान कथा का हिस्सा लगता था, लेकिन आज यह हमारी आंखों के सामने हकीकत बन रहा है। यह सिर्फ दूरी या समय को कम करने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह इंसान की उस कभी ना हार मानने वाली जिद का प्रतीक है जो पहाड़ों का सीना चीरने के बाद अब समंदर की गहराइयों को भी जीतने निकली है। तो दोस्तों, फेमान बेल्ट टनल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, यह भविष्य का एक विजन है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति की चुनौतियों को पार करके भी आगे बढ़ सकता है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ ट्रेवल को आसान बनाएगा, बल्कि लोगों को, कल्चर को और इकोनॉमीज को एक दूसरे के और करीब लाएगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत को श्रीलंका के साथ ऐसा ही एक सुरंग प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।